गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज है, कल मंगल था, आज बुधवार है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि कल आप लोगों को पता ही होगा, यूके बोर्ड का रिजल्ट था और उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट था कल। तो मेरे दोनों भाई थे, दोनों का रिजल्ट आना था कल, एक हाई स्कूल वाला था, एक इंटर वाला। और खुशी हुई, दोनों की अच्छी परसेंटेज है। जो इंटर वाला है, साइंस साइड वाला है, तो उसकी 81% है। और छोटा वाला जो टेंथ में है, उसकी 66% आई है। तो अच्छी परसेंटेज आई है, ठीक है ना? अच्छा रिजल्ट आया, खुशी का दिन था कल हमारे लिए। और बच्चे जब मेहनत करते हैं, वो मेहनत सफल हो जाती है कुछ हद तक, है ना? बड़े वाले से हमें काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन कोई बात नहीं, गांव का माहौल, ना तो ट्यूशन, ना कुछ। इसमें भी उसने बड़ी अच्छी परसेंटेज लाई है, ठीक है। मैंने कहा कोई बात नहीं, परसेंटेज फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है, आप आगे मेहनत करते रहो, है ना? अपना फ्यूचर बनाना है तो नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, परसेंटेज कोई मायने नहीं रखता है। और जितना आप नॉलेज गेन करोगे, चाहे वो छोटे से हो चाहे वो बड़े से हो, जिससे आपको लगता है इसको नॉलेज है, उससे नॉलेज लो। ये मत सोचो कभी ये छोटा है बड़ा है, नॉलेज किसी से भी ले सकते हो आप, और नॉलेज इकट्ठा करो, परसेंटेज नहीं। तो बस उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी है अभी, जिन्होंने भी इंटर किया है, कि खूब मेहनत करो। हाँ मम्मा, क्या ये देखो, खूब मेहनत करो और अच्छा सा अपना फ्यूचर सेटल करो, चाहे वो लड़की है लड़का है, है ना? ये देखो, मैंने इसके लिए आज इसको पानी रखा हुआ है, इसको मैं नहलाने जाऊंगी अभी, बर्तन ही धुले, जस्ट अभी नाश्ता किया, सुबह का टाइम हो रहा है। और ये देखो अभी बर्तन रखे हुए हैं यहाँ पे, मैंने कहा चलो ब्लॉग भी शुरू कर देती हूँ। और रोड ना पूरी ख़राब हो गई यार, हनी रुको तो यहाँ पे रहो, उनको देखो वहाँ पे, सही करो, वहाँ पे सही करो। तो आप लोग कह रहे होंगे आजकल गर्मियों का मौसम है, तब भी ये पानी गर्म कर रही, तो हनी के लिए करना पड़ रहा आजकल ना, इधर बारिश हो रही है, देखो पूरा फट गया, पूरा ख़राब हो गया। तो मैं नहीं चाहती हूँ, मैं इसको लगा के कोई शॉर्ट सर्किट हो, कुछ ब्लास्ट वगैरह हो जाए, है ना? क्योंकि ऐसे वायर जब टूट जाता है बीच में से, तो वायर चिपक जाते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो मैंने रहने दिया, मैंने कहा बच्चे का पानी यार, एक प्रेशर काफ़ी है ना, तो इस पर मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा है। तो फटक से मैं इन बर्तनों को धुल देती हूँ, फिर उसको नहलाने जाती हूँ। और उसको नहाने के लिए बोलो फटाफट, मम्मा चल चल चल, इसलिए मैं ज़ोर से भी नहीं बोलूँ ताकि वो दोबारा परेशान ना करे। तो फटाक से मैं ये धो देती हूँ, और टाइम हो रहा है 10, हनी के पापा ऑफिस जा चुके हैं, तो चलिए फिर फटाक से धोती हूँ। तो अभी हम बाथरूम में आ गए हैं, जैसे मैंने पिछली बार कहा था ना, पिछली बार नहीं परसों, मतलब कहा था कि ये बाल्टियाँ वगैरह पूरा साफ़ करना है, और बस इसीलिए मैं बाथरूम में आ गई थी और हनी को भी लेके आए। आप लोगों को पता ही होगा कि मैं हनी को उधर वाले रूम में छोड़ने को तो छोड़ दूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, दरवाज़ा पीटने लग जाता कि मम्मा मम्मा। मैंने कहा चल यार तू भी उधर ही चल, भीग भी जाएगा, कोई बात नहीं, मैं उसको नहला दूँगी। और उसने ब्रश मांगा कि मेरे को ब्रश चाहिए, मैंने उस पर कोलगेट नहीं लगाया, क्योंकि वो कोलगेट का टेस्ट उसको पसंद नहीं है। तो मैंने बस खेलने के लिए मैंने कहा बस चुप रहे। और ये देखो नखरे, कैमरे को देखे कितने नखरे कर रहा है। और आप लोगों को पता ही होगा, जिन चीज़ों में पानी गिरता रहता तो वो चिपचिपाहट हो जाती है, चाहे तुम कितनी बार भी साफ़ कर लो। और मेरे को इतना मतलब टाइम जैसा नहीं हो पा रहा था कि मैं इसको अच्छे से क्लीन करूं, और आज मैंने कहा नहीं यार, मुझे क्लीन करना है, जिन बर्तनों में नहा रहे धो रहे हैं ना, वो साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो बैठने वाला है, ये तो शायद मैं बिल्कुल ऐसे खाली लेके आई यार, ना तो मैं बैठती हूँ उसमें नहाने के लिए, और शायद ना हनी के पापा। बट हनी को मैं पहले बैठा के नहलाती थी इसमें, लेकिन अब हनी बैठता ही नहीं है नहाने के लिए, खड़ा खड़ा रहता है। और ये देखो कैमरे को देख रहा हूँ बार बार, और बस पानी में खेलने लग गया है। तो सबको मैं मांस दिया है, बस इसको मैं छाल दूँगी। और यहाँ पे ना बाथरूम तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन स्टैंड रखने का नहीं हो पा रहा था, जिससे कि पूरा दिख जाए, पूरा नहीं हो पा रहा था। जैसे तैसे मैंने हल्का सा एडजस्ट करके लगाया है, और बाल्टियाँ मैंने धो दी है, साफ़ कर दी है।
तो बस मैं दीवार वगैरह साफ़ कर रही थी। मैंने हनी को बाहर पे रख दिया था गैलरी में, भले वो रो रहा था कि नहीं मुझे अंदर आना, उसके बाल दिख रहे कैसे उड़ रहे हैं कैमरे के आगे से, लेकिन वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा पानी फेंक रही थी और छींटे गिर जाते हैं ना, खाली दाने वगैरह हो जाएंगे बच्चे पे, गंदगी तो गंदगी होती है। और जो ये बाल्टी मैंने अभी साफ़ करी, ये बाल्टी बहुत टाइम से हमने ऐसी रखी हुई है यहाँ पे, क्योंकि अब देखो यार कूड़ा वाला आ नहीं रहा, अदरवाइज़ मैं इसको फेंक देती और ऐसे करके तो ले जाना कैसे। तो जो यहाँ पे पहले पुराने किराएदार रहते थे उन्होंने यहाँ पे छोड़ के गए हुए हैं, तो मतलब हमारे लिए आफत। और उसमें भी जब थोड़ा बहुत पानी गिर जाता है तो तब गंदगी हो ही जाती है, इसलिए मैंने वो भी साफ़ किया। बाथरूम साफ़ करके मैं आ गई हूँ किचन में, और आज मैं बना रही हूँ जैसा चावल बना दिए हैं मैंने, टमाटर मैंने कट कर दिए थे और तेल डाल के जीरा डाल दिया है, तो ये जीरा हो चुका है। अब मैंने इसमें चैसा डाल दिया है, चैसा के साथ मैंने थोड़ा सा आटा भी मिक्स किया है। चैसा आप लोगों को पता ही है, मैंने बहुत बार बताया है आपको कि जो काली दाल होती है ना उससे बनता है, लेकिन मेरे पास बहुत सारी ऐसी दालें थी जैसे राजमा, बहुत सारी दालें थी जो हम नहीं खा रहे थे, तो मैंने उनको पीस करके चैसा के लिए बना दिया और उसको मैंने तेल में फ्राई किया, अच्छे से भुना चैसा को, और उसके बाद टमाटर डाल के नमक डाल के इसको हल्का सा वो कर रही हूँ मैं। और ये मेरे लिए काफ़ी है क्योंकि हनी को साग बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो थोड़ा सा चावल ही खाएगा अगर खाएगा भी तो थोड़ा सा। और ये मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं, हल्दी ऐड कर दी है, और इसमें मैं जितना मेरे को चाहिए मैं उतना पानी ऐड करूँगी, तो हनी के पापा भी खाना खाने नहीं आएंगे, तो बस मुझे उतना ही बनाना है जितना कि मेरे लिए हो जाए। और मैं इसको इस तरीके से करछी से घुमा रही थी ताकि उसमें गुठलियाँ ना रहे, और बिल्कुल ये देख सकते हो आप, तो अच्छा सा पेस्ट बन गया। तो ये देखो उबल गया था और ये बन के तैयार है मेरा चैसा, बहुत टेस्टी बनता है, आप लोग भी बनाइए ज़रूर। तो अभी जस्ट हमने खाना खा के, ये देखो हनी सोया है और टाइम हो गया है 3:30, नहीं 3 बज रहे करेक्ट, और हनी को सोए आधा घंटा करीब हो गया समझ लो खाना खाने के बाद। तो मैं ऐसे लेटी हुई थी, मैंने कहा चलो यार वीडियो का अभी एंड कर देती हूँ। देखो ना मैंने सुबह से ना बिंदी लगाई ना मांग, मन नहीं कर रहा है, मैंने कहा चलो शाम को ही मुँह हाथ धो के करूँगी है ना। और मौसम आज ठीक ही है, कल बारिश हो रही थी कल दिन में, आज ठीक है। और हनी को मैंने नहलाया, उसके बाद मैंने बहुत सारा काम किया, बाथरूम वगैरह साफ़ किया अच्छे से, फिर मैंने हनी को नहलाया, हनी के कपड़े धुले, हनी के पापा के कपड़े थे कुछ वो धुले, उसके बाद खाना बनाया, खाना खाया, फिर हनी को सुला दिया है, और कुछ कपड़े मैंने धूप में डाले थे वो सुखा के अंदर रख दिए हैं, क्योंकि हनी क्या कर रहा ना आजकल, पानी लेकर आ रहा, पानी का गिलास लेकर आ रहा, गिरा दे रहा जगह जगह, तो कपड़े गीले हो जा रहे इस तरीके से ना, कपड़े सड़ते हैं अगर पानी सीलन जैसे पकड़ देना कोई कपड़ा तो ख़राब होने लग जाता है। तो मैंने गद्दे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं पानी टॉयलेट वगैरह से, तो गद्दा ही था एक या ऊपर वाला गद्दा, वो मैंने बाहर सुखा के अभी अंदर लेके आ गई, क्योंकि मैंने कहा अगर मेरी भी आँख लग गई, मुझे भी नींद आ गई, तो हो सकता है कि बारिश हो जाए है ना, गीला हो जाए। और तो बस यही था, और फ़ैन ऑन कर रखा, लेकिन आज ठंडी हवाएं चल रही ना तो मेरे को ठंडे से लग रही है, आजकल मेरे को ठंड से लग रही है फ़ैन से, और ऑफ़ कर रही हूँ फ़ैन तो तब गर्मी लग रही है। फिर हनी को भी ना मक्खियाँ वगैरह आती हैं तो हनी को परेशान करती, इस वजह से मैंने वो ऑन किया रहता है। कई बार मैं दिन में कंबल लेके सोती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों ठंड सी लगती है। और तो चलिए फिर मैं अपना वीडियो भी यहीं पर एंड करती हूँ, आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो मेरा अच्छा लगा हो। और आज है 30 तारीख, तो कल की खुशी अभी तक पचा रही हूँ मैं कि मेरे भाई लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा है, और अभी उससे ज़्यादा खुशी मुझे अभी हुई जब मैंने किसी ने फेसबुक पे न्यूज़ वाले, मेरे अपने भैया हैं बड़ी मम्मी के लड़के, बड़ी मम्मी के लड़के नहीं बुआ के लड़के, मतलब अपने रिश्ते तो क्या है ना, मानने पे बात है, अपना पराया क्या होता है ना, तो उन्होंने ना वो न्यूज़ वाले हैं, तो उसमें मैंने अभी न्यूज़पेपर में देखा उसका नाम, मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और उन्होंने फेसबुक पे भी इतना बड़ा चिट्ठा पत्रा डाला हुआ था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं लास्ट में आपको दिखा दूँगी स्क्रीन शॉट, इसके पीछे वीडियो के लास्ट में आपको दिखा दूँगी, आप लोग भी पढ़िएगा।
तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मेरे पापा का नाम, मम्मी पापा का नाम, कितनी खुशी होती है ना जब माँ बाप का नाम आता है कहीं पे। तो बस मेरी भी ये चाहती है मैं अपने माँ बाप, अपने मामा मामी का नाम रोशन करूँ, लेकिन वैसी नंबर आई नहीं हो पाया कि इतना कि नाम कहीं आए। लेकिन मैं कुछ करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में कि उनका नाम भी आए, और खुशी हुई। मैं अभी जस्ट पढ़ ही रही थी उसको, तो मुझे लगा चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो मैं लास्ट में डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। और कल है 31 तारीख, परसों 1 है, और 1 को शायद मम्मी पापा ने इसी खुशी में थोड़ा बेल पत्री कहते हैं हमारे इधर, बेल पत्री शिव भगवान के मंदिर में चढ़ाया जाता है, तो शायद वो कर रहे हैं, वो मतलब वो लोग बेल पत्री चढ़ा रहे हैं। तो हमें भी कहते हैं पानी चढ़ाना, मतलब शिव भगवान में। तो शनिवार के दिन कह रहे थे किसी, मतलब पंडित ने कहा होगा कि मंडे के दिन शायद रक्षाबंधन आ रहा है ना, 3 तारीख को मंडे को रक्षाबंधन है। तो मंडे को पंडित के पास टाइम नहीं है, तो उन्होंने कहा इन दिनों में से कभी भी आप पानी चढ़ा सकते हो, चाहे वो शनिवार है, चाहे चाहे सैटरडे, चाहे संडे, चाहे मंडे, आप किसी दिन भी चढ़ा सकते हो। लेकिन मंडे को उनके पास टाइम नहीं था, तो शायद 1 तारीख को पानी चढ़ाएंगे। तो हमें भी कह रहे आ जाओ आ जाओ। तो देखते हैं हनी के पापा क्या कहते हैं। काम नहीं होगा ऑफिस में, तू जाएंगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मिलाऊंगी अपने भाई से भी। तो बस यही है अभी तो अपडेट, कल का दिन है, परसों देखते हैं। अगर जाने का हुआ तो कल ही, कल में प्लान बन जाएगा हमारा जाने का। तो बंदर देखो कैसे हिला रहे हैं कपड़े, कहीं गिरा ना दे बंदर। तो चलिए फिर मैं अपना वीडियो भी यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूंगी आप लोगों से कल नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।